जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ को 500 पोस्टकार्ड लिखकर कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की 28/9/2021 कृष्णा गेट हाउस में रामगढ़ ताल की गोरखपुर पुलिस कर्मियों द्वारा निर्मम हत्या किए जाने पर पूरे व्यापारी समाज में आक्रोश है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद संभल मांग करता है कि दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए व मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इस मुकदमे की फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई की जाए। मृतक व्यापारी की पत्नी को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दोषी पुलिस कर्मियों की संपत्ति से वसूल कर दिया जाए व मृतक व्यापारी की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। यह अमानवीय घटना है और इस घटना से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में भय का माहौल है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है मामला? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को पोस्ट कार्ड लिखकर कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर पुलिस द्वारा निर्मम हत्या का विरोध प्रकट किया है और मुख्यमंत्री जी से मांग की है दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए व उनकी बर्खास्ती के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, फास्ट ट्रैक अदालत में जो है इनका मुकदमा चलाया जाए। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये का मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए और वो मुआवजे की राशि दोषी पुलिस कर्मियों के उससे खाते से ली जाए। कितने पोस्टकार्ड आप लोगों ने मुख्यमंत्री 500 पोस्टकार्ड आज हमने जो है वो मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं और उसमें यही मांग कर रहा है कि मनीष गुप्ता के हत्यारों को पुलिस कर्मियों को सजा दी जाए। ग्रोवर, आज आपने मुख्यमंत्री जी के नाम कुछ पोस्टकार्ड लिखे हैं, कितने पोस्टकार्ड लिखे हैं और क्या लिखा है उसमें, क्या मांग किया आपने? हमने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 500 पोस्टकार्ड लिखे हैं चंदौसी से और ये मांग की है कि जिन पुलिस वालों ने उस व्यापारी की निर्मम हत्या की है, उसके जो जिसकी हत्या हुई है उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको जो है सरकारी नौकरी दी जाए और ये मांग है कि जो निर्मम अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित किया जाए जो व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, जनता का उत्पीड़न करते हैं, उनके खिलाफ डीजी द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। एक शिकायत पर व्यापारियों के उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि व्यापारी जो है उत्पीड़न कर रहा है पुलिस अधिकारी, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी तभी हम व्यापार मंडल चुप बैठेगा। और ये जो मनीष गुप्ता हैं हमारे जो गोरखपुर में आए थे, उनको रात को सब इतना कहने पर कि रात को 3 बजे आप क्यों वो कर रहे हैं, इतना मारा गया कि उसकी तुरंत मृत्यु हो गई और उसके लिए उसकी पत्नी को उसके खून से सना हुआ तौलिया उनको मिला है निर्मम हत्या का, ये स्पष्ट सबूत है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी CBI जांच करानी चाहिए। ये कहना चाहूँगा जो पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, आज तक हमने देखा ही नहीं। वो व्यापारी है, व्यापारी के खिलाफ इस तरीके से मारपीट करना, जान से मार देना गंभीर अपराध है। एक तो हमारी माननीय योगी से हमारी मांग है जो पुलिस वाले हैं उनकी संपत्ति की जांच की जाए और अवैध संपत्ति है उसे गिराया जाए और जो 5 करोड़ रुपये दिए जाएँ मनीष जो मरे उसके परिजनों को, वो 5 करोड़ रुपये सरकार अपने पास से ना देकर उन दोषी पुलिस वालों से ही रिकवरी की है 5 करोड़ की। ये हमारी मांग है सरकार से। मंत्री जी के नाम कुछ पोस्टकार्ड लिखे हैं, कितने पोस्टकार्ड लिखे हैं और क्या लिखा है उसमें? ये 500 पोस्टकार्ड हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में लिखे हैं और एक संदेश इस चंदौसी की धरती से देना चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो बहुत गलत है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही प्रार्थना है कि इस व्यापारी के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर तुरंत कार्रवाई हो और कम से कम 2 करोड़ की सहायता राशि इस व्यापारी पुत्र मनीष को दी जाए जिससे निश्चित रूप से व्यापारी समाज जो आज इस घटना से बहुत ही दुखमय महसूस कर रहा है इससे वह दूर हो पाए, यही हम इस माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं।